हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और न्यू टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ सोर्स, नेक्स्ट आया है द एम्प्रेस, नेक्स्ट आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है द स्टार, नाइट ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट। वैसे तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, बट यहाँ पर जो साइन है वो हैं मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके व्यूवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 9 नंबर 3 नंबर 1 नंबर एंड ओके, यहाँ पर ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है ये जिस पर्सन की भी एनर्जी निकल करके आई है ये बहुत ही लॉयल पर्सन है और कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं। ये इंसाफ पसंद है, इनको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, जो बात भी ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं ये बताते नहीं हैं, बट झूठ नहीं बोलते हैं ऐसा लगता है। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो जगह है, वो अभी तक इन्होंने किसी को भी नहीं दी, अपनी लाइफ में किसी को भी इन्होंने आने नहीं दिया। और आपको पाना ऐसा लगता है इनके लिए किसी विश पूरा होने से कम नहीं है, यानी इनके दिल में आपको पाने की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा है। इनके दिल में आपके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो इमोशंस इन्होंने शायद कभी भी आपको जाहिर नहीं किए, इसकी वजह से इनको बहुत बुरा लगता है और ये चीज़ इनको अंदर से बेचैन करती है और रात को सोने भी नहीं देती है। ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो इसने आपसे छुपाया है, आपको बताया नहीं है और ये बताना भी नहीं चाहते हैं, जिसका इनको बहुत रिग्रेट भी है और ये कहीं ना कहीं ख़ुद को ब्लेम भी करते हैं उस बात के लिए, बट ये आपसे उन सारी ही चीज़ों को छुपा कर रखना चाहते हैं। ये चाहते नहीं हैं उन सारी बातों को बताना, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी हिडन फीलिंग्स हैं जो आप जानते नहीं हैं, आपका जानना ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता भी है कहीं ना कहीं, बट फिर भी ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हैं। और जब भी आपसे बात करते होंगे, आपके सामने आते होंगे, तो ये ऐसा दिखाते होंगे जैसे इन्हें आपकी परवाह नहीं है, आपको इग्नोर करते होंगे, बट छुप छुप के ये पर्सन आप ही को देखते हैं ऐसा लगता है। और आपकी छोटी से छोटी बात इनको पता रहती है, ये जानने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप पर नज़र रखते हैं ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि कल रात भी ये आप ही को याद कर रहे थे, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके ही ड्रीम देखे हैं, ऐसा लगता है ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और वो डायरेक्शन शायद इनका करियर हो सकता है। और ये पर्सन अपने करियर को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और आपके बारे में सोचकर तो और ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आपको नहीं पा सकते, आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हैं, ये आपके लायक नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि कल रात ये सारी ही बातें आपके बारे में सोच रहे थे और इनर सर्चिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ही प्रॉब्लम्स में घिर कर खुद को खो दिया है। इन्हें अब समझ नहीं आता है कि लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, किस तरह से अपने करियर को सही करें और आपको हासिल करना भी चाहते हैं तो ये कर नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है निगेटिविटी इनके अंदर आ गई है, पॉजिटिविटी कहीं खो सी गई है। और इन कार्ड्स को देख कर ऐसा लगता है जितना इन पर्सन ने खुद को नेगेटिव कर लिया है, इतनी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में नहीं है। इन्होंने नेगेटिविटी का जाल सा अपने माइंड में बना लिया है, थॉट्स बना लिए हैं नेगेटिव, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये स्टक हो गए हैं लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं पा सकते हैं। इनके खुद के जो विचार हैं ना, इन्होंने बहुत नेगेटिव कर रखे हैं, इसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
और इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने खुद को खो दिया है कहीं ना कहीं, और इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में हैं कि ये चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।